गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम पे हमने आपको सी लैंग्वेज के फीचर्स के बारे में बताया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले टोकन्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के टोकन के बारे में बात करेंगे। अब ये टोकन क्या होता है पहले इसको समझा जाए, फिर टोकन क्या क्या होते हैं इसको समझेंगे। देखिए, अगर हम टोकन को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर प्रोग्राम that can be identified by our compiler. हमारे compiler के द्वारा identify किया जा सकने वाला जो सबसे छोटा unit है उसको हम लोग कहते हैं तो हमारे सी लैंग्वेज में जो टोकन है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। हमारे अगर हम टाइप्स ऑफ टोकन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं identifiers in C। दूसरा जो हम बात करते हैं वो है keywords in C। तीसरा जो हम बोलते हैं वो है operators in C। चौथा पंक्चुएटर्स इन सी। पांचवा कॉन्स्टेंट्स इन सी। ये हमारे टोकन माने जाते हैं। हम इन सभी टोकन के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने आइडेंटिफायर के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए आइडेंटिफायर्स। अभी हमारे आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एनी मेमोरी लोकेशन और फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। ये जो हम अपने वेरिएबल्स को यानी कि मेमोरी लोकेशंस को जो नाम देते हैं वो है आइडेंटिफायर। आप फंक्शन को जो नाम देते हैं वो है आइडेंटिफायर। तो जो भी नाम दिया जाता है उस नाम को कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे मुझे किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है तो मैं उसमें उसके नाम का सहारा लेता हूँ ना, बोलो। तो इधर मैंने ज्वाला कहा तो मैंने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम ज्वाला है। तो आइडेंटिफायर इज द नेम विच इज गिवन टू एनी मेमोरी लोकेशन और एनी प्रोग्राम और एनी फंक्शन, ठीक है। जो नाम देते हैं वो है आइडेंटिफायर।
अब ये आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, ये हम थोड़ी देर बाद आज ही पढ़ेंगे, पर थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर का रूल्स क्या क्या है। क्लियर, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है हमारा कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जो है ये हमारे कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या है? कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग है, जिनका एक स्पेशल मीनिंग है जो पहले से तय है। उस शब्द को किसी अन्य काम में नहीं प्रयोग किया जा सकता, उस शब्द को किसी अन्य काम के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड है इफ। इसी तरह से एक कीवर्ड है व्हाइल। इसी तरह से एक कीवर्ड है फॉर। ये इफ व्हाइल फॉर कुल मिला के 32 कीवर्ड हैं। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड हैं? 32 कीवर्ड हैं। तो ये जो कीवर्ड हैं, इनका पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग है। जैसे इफ का पर्पस है कंडीशन चेक करना। इफ का क्या काम है? कंडीशन चेक करना। व्हाइल लूप चलाने के लिए यूज होता है, आगे आप पढ़ोगे। फॉर भी लूप चलाने के लिए यूज होता है, आगे आप पढ़ोगे। तो ये इनके पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग है। अगर हम किसी वेरिएबल का नाम इफ रख दें, अगर हम किसी वेरिएबल का नाम इफ रख दें तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा कंपाइलर को कि आप कंडीशन चेक कर रहे हो कि किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हो। बात समझ में आई? अगर मैं इस व्यक्ति का नाम इलाहाबाद रख दूं क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जगह की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो इलाहाबाद जगह के लिए प्री डिफाइंड है, उसको उसी लिए रहने दो। उसको आप किसी का जबरदस्ती नाम इलाहाबाद रखी लोगे तो कोई क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा। बट प्रॉब्लम आएगी आपको जिसके साथ आप उस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सेम हियर ऑल्सो, हमारे सी लैंग्वेज में कुछ पहले से प्री डिफाइंड 32 वर्ड्स हैं, उनका नाम, उनको आप किसी अन्य काम के लिए प्रयोग नहीं करोगे। आमतौर पर हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफायर के लिए। तो आइडेंटिफायर के लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात तय है। समझ में आ गई? तो ये दूसरा टोकन हुआ। तीसरा टोकन हमारा है ऑपरेटर्स। तीसरा क्या है? ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? ऑपरेटर्स हमारे कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या प्रोसेसिंग करना है, आपको क्या प्रोसेसिंग करना है ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कहा ए प्लस बी, तो इसमें ऑपरेटर है प्लस। तो प्लस बता रहा है कि आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को जोड़ना है। तो प्लस इज ऑपरेटर, एक सिंबल है जो बता रहा है क्या करना है, इनको जोड़ना है। अगर हमने लिखा ए एस्ट्रस्क बी, तो एस्ट्रस्क हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, यानी कि ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या हुआ? ऑपरेटर एक सिंबल है जो बताता है कि आपको क्या प्रोसेसिंग करना है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो ये हमारा तीसरा टोकन हुआ। पहला आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड्स, तीसरा ऑपरेटर्स। कीवर्ड को हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। ठीक है, अब हम लोग चौथे टोकन की तरफ चलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स का काम है
हमारे प्रोग्राम के हिस्सों को अलग करना, प्रोग्राम के हिस्सों को अलग करना। जैसे इंग्लिश में पंक्चुएटर्स में आता है कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कोलन, एपोस्ट्रॉफी, ये सब पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। वो सेंटेंस के दो सेंटेंस को अलग करने के बीच में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। एक सेंटेंस के दो पार्ट को अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं, करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे सी लैंग्वेज में भी कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं। अभी कल हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें सेमी कोलन बताया था, तो सेमी कोलन क्या है, एक पंक्चुएटर है जो दो स्टेटमेंट को अलग करता है। इसी तरह से कॉमा भी है, कॉमा एक स्टेटमेंट के कई पार्ट्स को अलग करता है। कोलन है, ये हम लोग आगे देखेंगे और कौन कौन से पंक्चुएटर्स हैं। समझ में आया? तो पंक्चुएटर्स भी हमारे क्या है, टोकन है, ठीक है। दे आर सिंबल्स टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर सी प्रोग्राम्स। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए आगे की बात करते हैं। वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो कभी ना बदले, ऐसी वैल्यू जो कभी ना बदले उसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट। उदाहरण के लिए सेवन, सेवन हमेशा सेवन ही रहेगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे जापान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, सेवन का मतलब सेवन ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ऐसे ही जो भी वैल्यूज हैं, जैसे पाई, हम लोग मैथ्स में पाई यूज करते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसकी मान कितनी होती है, 22/7 यानी 3.14, ये कांस्टेंट है, बदलता नहीं। तो हम ऐसी संख्याओं को जो नहीं बदल रहा है, ऐसी क्वांटिटीज को जो नहीं बदल रहा है उसको कहते हैं कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट भी एक तरह के हमारे क्या है, टोकन है। क्या है, टोकन। इसी तरह से स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जब मैंने कहा अलावा, ध्यान रखिए डबल कोट्स में अगर डाला है तो वो स्ट्रिंग है ना? ये भी एक कांस्टेंट है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, कैसा है, तो ये भी एक टोकन है। तो अभी हमने बताया टोकन क्या है, टोकन हमारे सी प्रोग्राम के वो छोटी इकाई है जिनको कि हमारा कंपाइलर पहचान सकता है और उनको यूज करके प्रोग्राम में हम अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? क्या ये सबको समझ में आया? वेरी गुड। तो चलिए जब इतना समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं डेटा की। हेडिंग डालिए डेटा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। डेटा का मतलब होता है फैक्ट या फिगर, फैक्ट या फिगर। किसी भी चीज के बारे में कोई फैक्ट है तो हम कहते हैं वो एक डेटा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसकी उम्र मान लो 20 साल है तो ये डेटा हो गया, एज। एज क्या हो गया, डेटा। और एज की वैल्यू क्या है, 20। इनके लिए 20 है, हो सकता है इसके लिए 17 हो सकता है इसके लिए 19 हो, इसके लिए 21 हो, एंड सो ऑन। तो डेटा क्या है, इट इज अ पीस
of information. Data is a piece of information which represent any fact about any entity. किसी वस्तु के बारे में जो एक piece of information है, जो एक piece of हमारा fact है, उसको हम क्या कहेंगे? Right? समझ में आया? अब देखिए, data हमारे अलग अलग type के होंगे. Data can be of different types. और हर एक डेटा को अलग तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको अलग तरीके से स्टोर करना पड़ेगा. हर डेटा को अलग तरीके से स्टोर करना पड़ेगा और अलग तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना ही पड़ेगा. जैसे कि अगर ये लड़का घर से सब्जी लेने जाएगा, तो सब्जी लेने के लिए क्या लेके जाएगा? झोला, है ना? झोला में सब्जी लेके आएगा. अगर इसको दूध लाना हो तो झोले में ला सकता है. उसके लिए उसको डब्बा चाहिए, दूध वाला डब्बा कोई भी, जिसमें वो रख सके. अब देखिए, चीज बदली तो उसको स्टोर करने का तरीका बदल. ऐसे ही सी लैंग्वेज में भी है. जब डेटा बदलेगा तो उसको स्टोर करने का तरीका भी बदल जाएगा. और क्यों स्टोर करने का तरीका भी बदलेगा? उसको प्रोसेस करने का तरीका भी बदल जाएगा. मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मैं अगर आपसे कहूं 7 × 3 = 21, आप बड़े आसानी से बता सकते हो, है ना? बट मैं कहूं अंकिता मल्टीप्लाई बाई अंजलि, बोलोगे सर का दिमाग खराब हो गया. ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सही इसकी बात है. हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर को ऐड कर सकते हैं, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते. अब देखिए, वो इंफॉर्मेशन अलग टाइप का है, वो डेटा अलग टाइप का है, तो उसकी प्रोसेसिंग अलग तरीके से होगी. बात समझ आ रही है? और एक चीज और जान लीजिए, जिस लैंग्वेज में जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के डेटा होंगे, जिस लैंग्वेज में जितने अलग अलग टाइप के डेटा होंगे, उनकी प्रोसेसिंग उतनी ही अलग तरीके से की जाएगी और वो डेटा उतना ही समृद्ध, वो लैंग्वेज उतना ही समृद्ध कहलाएगा. वो लैंग्वेज उतना ही समृद्ध कहलाएगा. मैं एक रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ. कोई अगर बंगाली होगा तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य बंगाली भाषा को क्रिटिसाइज करना नहीं है. मैं केवल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा. तो बंगाली में इसको अगर कहा जाए तो कैसे कहेंगे? आमी खाबार खाऊं, आमी खाबार, खाबार मतलब खाने योग्य वस्तु, खाऊं मतलब खाऊंगा, ठीक है. मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा. अब बंगाली में इसको बोलना होगा तो बोलेंगे आमी जल खाऊं, आमी मैं जल पानी खाओ पीऊंगा. अब देखिए, हिंदी में खाने के लिए अलग क्रिया है, शब्द है, पीने के लिए अलग शब्द है. बंगाली में दुर्भाग्य से एक ही क्रिया है, एक ही शब्द है, खाओ. तो जब हम पहली बार कैटला गए तो हम लोग बड़ा हंसे, छोटे छोटे थे, हंसना नहीं चाहिए, बट हम लोग बड़ा पेट पकड़ के हंसते थे. यहाँ पे हर चीज खाई जाती है, खाना भी खाया जाता है, पानी भी खाया जाता है. अब हम लोग बात करें तीसरे शब्द, यहाँ पे हिंदी में भी प्रॉब्लम है. देखो, मैं सिगरेट पीऊंगा, सिगरेट पी जाते हैं क्या? पानी जैसा है कि हिंदी में भी धूम्रपान के लिए एक ही क्रिया है, पियो. इंग्लिश में देखो, आई विल स्मोक सिगरेट, आई विल स्मोक सिगरेट, वहां पे
आई विल ईट फूड, आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल स्मोक सिगरेट। अब देखिए वहां पे तीन अलग अलग क्रियाएं हैं, वहां पे क्लैरिटी है। अब बंगाली में बोलेंगे तो आमी सिगरेट खाओ, ये भी खा लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, जो बंगाली होगा उसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो नया नया बंगाली सीख रहा है उनको समस्या होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर हम अपनी क्रियाओं को एक्सप्लिसिटली समझा नहीं पाएंगे, एक ही क्रिया होने से उसको एक्सप्लिसिटली अलग अलग साफ साफ नहीं समझा पाएंगे। बट अगर वहां पर क्रियाएं अलग अलग हैं तो समझाना ज्यादा आसान होता है। सेम हियर ऑल्सो, हमारे सी लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के डेटा हैं, और जितना ज्यादा डेटा टाइप होगा वो डेटा उतना ज्यादा अलग तरीके से सेव होगा, अलग तरीके से प्रोसेसिंग होगा, उसमें उतनी ज्यादा क्लैरिटी। बात समझ में आई? अगर हम डेटा टाइप की बात करें, आप लोग इसको बना लीजिएगा, हमारे सी लैंग्वेज में जो डेटा होंगे वो मुख्य तरह के तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फंडामेंटल या प्री डिफाइंड डेटा टाइप, वो डेटा टाइप जो पहले से प्री डिफाइंड है, हमारे कंपाइलर में पहले से मौजूद है, उनको हम कहेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप। और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मोटे तौर पे देखा जाए तो हमारे जो डेटा होंगे ये दो तरह के होंगे, कौन कौन से? प्री डिफाइंड या यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो पहले से बने बनाए नहीं है, हम कई सारे पहले से बने बनाए डेटा टाइप को जोड़ करके एक नया डेटा टाइप बना रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डिराइव। जो इनसे डिराइव किए गए हैं उनको कहेंगे डिराइव डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझ में है? अब अगर हम इनकी बात करें तो मोटे तौर पे ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? न्यूमेरिक डेटा टाइप और टेक्स्ट डेटा टाइप। न्यूमेरिक मतलब नंबर, जहां पे नंबर स्टोर हो रहे हैं वो है न्यूमेरिक, जहां पे नंबर नहीं है कुछ अन्य है तो वो हमारा हो गया टेक्स्ट। ठीक है, मोटे तौर पे हमारा फंडामेंटल या प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? न्यूमेरिक और टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिक है ये कई प्रकार के, पहला है इंट, पहला क्या है? इंट। इंट यानी कि इंटीजर, इंट यानी कि इंटीजर, इंटीजर यानी कि जिसमें केवल होल नंबर स्टोर हो, जिसमें फ्रैक्शन स्टोर नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है ना, जैसे 7, जैसे 596, जैसे -9, -321, ये सब क्या है? इंटीजर वैल्यूज है, इसमें कोई दशमलव पार्ट नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर डेटा। समझ में आ रहा है? मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। ध्यान रखिए इंटीरियर जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
में देखिए डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, पहले बात कर समझ लो, जो भी डेटा स्टोर होगा हमारी मेमोरी में स्टोर होगा, कहाँ होगा, रैम में, मेमोरी में। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसको कितनी जगह पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, वो उसको बोलते हैं डेटा टाइप की साइज। क्या बोलते हैं? डेटा साइज की साइज। तो अगर हम इंटीजर डेटा टाइप की साइज की बात करें तो ये मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। कितनी? 2 बाइट यानी कि 16 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होता है तो 2 बाइट में 16 बिट। ध्यान रखिए ये जो भी हम बता रहे हैं 16 बिट के कंपाइलर पे कह रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? हाँ, अगर ये कंपाइलर हमारा 32 बिट का होगा या 64 बिट का होगा तो वहां पे ये 4 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बट हम जो भी बता रहे हैं इस समय 16 बिट के कंपाइलर पे बात कर रहे हैं। तो इंटीजर मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 2 बाइट की जगह लेता है, याद रहेगा 2 बाइट यानी कि 16 बिट। तो इसमें जो 16 बिट में अगर आप जो सबसे छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं वो है -32768, 32768। जो सबसे छोटा नंबर स्टोर हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? 32767, वो भी माइनस में। और जो सबसे बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है वो हो सकता है 32767 एक का, क्योंकि जीरो भी आ जाता है ना, तो जीरो दोनों में माना जाता है, बट जीरो को हम लोग आमतौर पर पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो जीरो से लेकर के ये 32767 ये हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव नंबर हो गए। जो सबसे बड़ा नंबर है 32767 और जो सबसे छोटा नंबर है। अब ये बोलेंगे ये कैसे पता लगा? तो आपको पता है कि 16 बिट में से पहला बिट जो होता है हमेशा साइन के लिए होता है, बाकी 15 बिट वो होता है हमारा किसके लिए? डेटा के लिए। तो 2 to the power of 15 कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। 2 to the power of 15 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 32768 करके देख लेना, समझ में आएगा। जो दूसरा डेटा टाइप है वो है हमारा फ्लोट का फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम क्या है? सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्या है? सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि यहां पे हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें नंबर में डेसिमल पार्ट होगा और वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, फ्लोट कर सकता है। और ये इसकी जो प्रिसीशन मतलब एक्यूरेसी भी फिक्स्ड है, और एक्यूरेसी कितनी है? डेसिमल के बाद 6 डिजिट की इसकी एक्यूरेसी होती है। फ्लोट की एक्यूरेसी कितनी होती है? 6 डिजिट तक। ओके? यस। तो जहां कहीं भी 0.6 आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? नंबर फ्लोट हो जाएगा। और फ्लोट के लिए मेमोरी में कितने जगह की आवश्यकता होती है? 2 बाइट 4 बाइट। फ्लोट के लिए मेमोरी में कितनी जगह की आवश्यकता होती है? 4 बाइट। इंटीजर के लिए 2 बाइट, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास मेमोरी में और भी होते हैं, जैसे डबल का मतलब डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या है? डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसमें भी है बट इसमें प्रिसीशन
डबल है और ये दशमलव के बाद 14 डिजिट का एक्यूरेट है। तो जहां पे बहुत बड़ा फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना होता है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? डबल। जहां पे छोटा फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना है वहां पे क्या यूज करेंगे? फ्लोट। जहां पे केवल इंटीजर स्टोर करना है वहां पे इंट। समझ में आ रही बात? तो ये डबल मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 8 बाइट। कैपिटल भी लिखा है मतलब बाइट, स्मॉल भी लिखा होता मतलब बिट। ओके, तो ये मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 8 बाइट। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से एक डेटा टाइप न्यूमेरिक में और होता है जिसका हम लोग कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट डेटा टाइप देखने में इंटीजर ही है कि कैसा है? इंटीजर ही है, बट ये मेमोरी में कितनी जगह लेता है? केवल 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट। तो जहां छोटा इंटीजर स्टोर करना वहां पे क्या यूज करो? शॉर्ट। समझ आ रही बात? तो ये हमारे अलग अलग न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, शॉर्ट, इंटीजर, फ्लोट, डबल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना सुधीर? हाँ। अब अगर आपको ध्यान रखिए, जब डेटा टाइप यूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको आधा लीटर दूध लाना है तो 5 किलो का बाल्टी लेके नहीं जाओगे, एक छोटा सा बर्तन लेके जाओगे। और जहां पे आपको 10-20 लीटर लेना है तो वहां पे 1 लीटर की डब्बा लेके नहीं जाओगे, वहां पे उतना बड़ा। तो डिपेंड करता है कि हमें कितना डेटा स्टोर करना है, उस हिसाब से हम क्या चुनाव करेंगे? डेटा टाइप का चुनाव करेंगे। ज्यादा बड़ा चुन लिया, नंबर छोटा स्टोर किया, तो क्या हो गया? वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई। क्या हो गई? वेस्टेज ऑफ मेमोरी। और उल्टा कर दिया, अगर छोटा चुनाव कर लिया और ज्यादा स्टोर करना है तो छलक जाएगा, उसमें पूरा आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? हमारी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी फालतू में वेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? जो हमारा दूसरा डेटा टाइप है टेक्स्ट, इसमें केवल एक डेटा टाइप है सी में, जिसे हम लोग कहते हैं कैर डेटा टाइप। कैर मतलब कैरेक्टर, कैर मतलब कैरेक्टर। ये कैर डेटा टाइप केवल सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, केवल एक कैरेक्टर। जैसे एक्स, एक्स एक कैरेक्टर है, यानी कि हमने इसको सिंगल कोट्स में रखा है। कैरेक्टर जो वैल्यू होती है उसको हम किस में डालते हैं? सिंगल कोट्स में। इज दैट क्लियर? ये क्या है? नंबर्स, इंटीजर। नहीं, अगर हम इसको बिना इसके लिखते तो ये इंटीजर होता। अब चूंकि इसको सिंगल कोट्स लगा दिया तो ये कैरेक्टर हो गया। समझ में आ रही बात? ये भी कैरेक्टर है। अगर हम कोट्स ना लगाते तो ऑपरेटर होता, अगर कोट्स लगाते तो ऑपरेटर होता। सिंगल कोट्स लगा दिया तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। तो कैरेक्टर मतलब कोई भी एक कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स के अंदर डाल दिया वो हमारे लिए क्या हो गया? Is that clear? बोरिंग क्लास है क्या? ये कॉन्सेप्ट किस टाइप का डेटा है? कैरेक्टर। कौन बोला कैरेक्टर? पिटाई हो जाएगी। हमने कहा कैरेक्टर तब होता अगर सिंगल होता। यहाँ पे देखिए दो है, वन और टू, दो सिंबल है। तो ये ना तो कैरेक्टर है ना नंबर है, ये एरर है। ठीक है ना? ध्यान रखना, सिंगल कैरेक्टर, केवल एक सिंबल, वो भी सिंगल कोट्स में है, तो वो कैरेक्टर है। क्लियर?
बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप जो कि कैरेक्टर से ही डिराइव होगा। डिराइव मतलब जो इनको मिला करके बनाया जाए वो हमारे में क्या है, डिराइव डेटा टाइप है। जैसे स्ट्रिंग, जैसे एरे, जैसे स्ट्रक्चर, जैसे यूनियन, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इनको कहते हैं डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप यानी वो डेटा टाइप जो इन डेटा टाइप से मिलकर के बनते हैं उनको कहेंगे डिराइव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उम्मीद करता हूं कि आपको डेटा टाइप क्या होता है समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा भी है जिसकी समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? मैं बहुत समय लेकर समझा रहा हूं, मैं चाहता था उसको शुरुआत में ही खत्म कर देता, बट मैं चाहता हूँ आप लोगों के किसी एक लैंग्वेज में कंसेप्ट अच्छे बन जाए, उसके बाद आप चाहे पाइथन पढ़ो, चाहे जावा पढ़ो, चाहे कोई अन्य लैंग्वेज पढ़ो, सब आपको आसानी से समझ में आएगा। आगे बढ़ा दें, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो लगे हाथों हम लोग कॉन्स्टेंट और वेरिएबल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट यानी वो क्वांटिटी जो ना बदले, कॉन्स्टेंट यानी वो क्वांटिटी जो ना बदले वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। उदाहरण के लिए हमने जैसे अभी पहले बताया था सेवन, सेवन हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। सेवन हमेशा सेवन ही रहेगा, सेवन तो बदल नहीं जाएगा, सेवन हमेशा सेवन रहेगा, तो वो एक कांस्टेंट है। और सेवन को हम कहेंगे अगर बिना कोट्स के है तो ये है इंटीजर कांस्टेंट, अगर ऐसे लिखा है तो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैंने लिखा 3.14, ये एक फ्लोट कॉन्स्टेंट है, कैसा कॉन्स्टेंट है, 6.1092568 3, कैसे, अगर दशमलव के बाद 6 से अधिक दिख रहा है तो डबल हो गया, ठीक है। यहां देखो दशमलव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि फ्लोट में केवल 6 डिजिट तक ही रहता है, अब 6 से ज्यादा है दशमलव के बाद तो वो डबल हो गया, ठीक है। जो भी चीज डबल कोट्स में है उसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, ये किसी व्यक्ति का नाम है अनुराग, तो ये एक स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। ये आइडेंटिफायर है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये आइडेंटिफायर है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है, समझ में आ। आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट नहीं है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, डबल कोट्स आ गए तो ये कैरेक्टर नहीं हुआ, ये हो गया स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है। अगर ऐसे लिखा होता तो ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता, ऐसे लिखा होता तो इंटीजर कॉन्स्टेंट होता। मेरी बात समझ आ रही है, वेरी गुड। तो कॉन्स्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जो प्रोसेसिंग के दौरान ना बदले उसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। बट कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका मान, जिनकी वैल्यू बदल सकती है प्रोसेसिंग के दौरान।
दौरान उनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? क्वांटिटीज दैट में चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा एज, जब मैंने इससे पूछा एज, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक से बोला एज तो इन्होंने बताया 18, तो मीन्स इनकी एज क्या है? 18 है। एक साल बाद पूछूंगा तो भी यही बताएगा, बदल गया ना। अब एक साल बाद इनसे पूछेंगे तो बताएगा 19। चलिए समझ में आया। तो ऐसे वैल्यूज जो प्रोसेसिंग के दौरान बदल सकती है उनको कहेंगे वेरिएबल्स, और ऐसी वैल्यूज जो बदलती नहीं है वो हो गए कॉन्स्टेंट। अब ये वैल्यूज जो भी स्टोर करते हैं ये हम स्टोर करते हैं मेमोरी में यानी कि रैम में, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स अ वैल्यू दैट मे चेंज। तो वेरिएबल का डेफिनेशन में क्या लिखा? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो वैल्यू बदल भी सकती है, वो वैल्यू बदल भी सकती है। तो दैट इज योर वेरिएबल। अब रैम में तो बहुत सारे वेरिएबल स्टोर हो सकते हैं, बोलो भाई, तो हमें कैसे पता लगेगा ये अलग वेरिएबल है ये अलग वेरिएबल है? उसके लिए हमें उसको एक नाम देना पड़ेगा, बोलो। यस सर। भाई मेमोरी तो बहुत बड़ी है, उसमें कई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो कैसे पता लगेगा कौन सा क्या वैल्यू है? तो सबके लिए हमें एक नाम देना पड़ेगा, यानी कि एवरी वेरिएबल मस्ट हैव अ मीनिंग। क्या? एवरी वेरिएबल मस्ट have a, हर वेरिएबल का एक नाम होना चाहिए, और वेरिएबल के नाम को ही हम कहते हैं आइडेंटिफायर। अभी हमने पहले बताया था, कहा था ना क्या बताऊंगा मैं, तो व्हाट इज आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू द वेरिएबल। हर एक वेरिएबल को एक नाम दिया जाएगा और उस नाम को कहेंगे आइडेंटिफायर, कॉल्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, मान लो ये मेरा रैम है, हमने कहा यहां पर हम स्टोर करेंगे 19 और इसको नाम दिया हमने ए। तो ए एक वेरिएबल है जो इस मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है? 19। समझ में आई बात? तो एवरी वेरिएबल मस्ट हैव अ नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। इज दैट क्लियर? यस। अब देखिए नाम रखने का एक तरीका होता है, नाम रखने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? नेमिंग कन्वेंशन। अब जैसे आपका नाम क्या बेटा? अंकिता है ना? आप चूंकि हिंदू धर्म से हो तो आपके नाम वही अपने धर्म के हिसाब से जो भी शब्दों के होते हैं उसी का एक बढ़िया सा शब्द जो आपको पसंद हो रख दिया ना? वो मोहम्मदन है, उसका नाम उनके धर्म के हिसाब से उनके माता पिता ने कुछ रखा होगा, उनके यहां जो कन्वेंशन है उन्होंने उसको फॉलो किया, आपके यहां जो कन्वेंशन है उन्होंने इसको फॉलो किया। मेरी बात समझ आ रही है? तो वेरिएबल के नाम रखने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को हम लोग जरा जानने की कोशिश करते हैं। हेडिंग करिए नेमिंग कन्वेंशन ऑफ आइडेंटिफायर।
कन्वेंशन ऑफ आइडेंटिफायर। जरा जल्दी से इसको आज कंप्लीट कर लें। वर्बस के नाम रखने का तरीका, केवल वर्बल नहीं फंक्शन के भी जो नाम रखे जाएंगे वो भी तो आइडेंटिफायर हैं। तो नाम रखने का जो तरीका है वो जानने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर वन, इन सी आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल का नाम अगर रखना है, फंक्शन का नाम रखना है, तो कितना नंबर रख सकते हैं? अधिकतम 31। 31 से अधिक अगर रखा तो, मैंने कोई नाम ऐसा रख दिया जिसमें 35 कैरेक्टर है तो एरर होना चाहिए, बट सी एरर नहीं बताता। वो क्या करता, शुरू के 31 लेगा, बाकी 4 को इग्नोर कर देगा। शुरू के 31 लेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। समझ में आई बात? तो 31 ही, शुरू के 31 कैरेक्टर ही मान्य है। ऐसा क्लियर? नंबर टू, रूल नंबर टू, इट मे कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स। हम वेरिएबल के नाम रखने के लिए अल्फाबेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ए टू जेड कैपिटल में या ए टू जेड स्मॉल में, ठीक है ना। और डिजिट्स 0 to 9 नाम रखने के लिए अल्फाबेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, डिजिट्स का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम लोग कहते हैं अंडरस्कोर। ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं? अंडरस्कोर। जो वेरिएबल के नाम रखे जाएंगे उसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई अन्य कैरेक्टर प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई ये कहे कि मुझे उसमें प्लस भी यूज करना है, कॉमा भी यूज करना है, तो नहीं, स्पेस यूज करना है, नहीं। अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई कैरेक्टर नहीं होगा। और ये भी होंगे तो कितने मैक्सिमम होंगे? क्लियर? रूल नंबर थ्री, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जो वेरिएबल्स के नाम रखेंगे आप, वो डिजिट से शुरू नहीं होने चाहिए। अल्फाबेट से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बट डिजिट से शुरू किसी भी कीमत में नहीं होगा। अगर शुरू होगा तो एरर हो जाएगा। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? रूल नंबर फोर, मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके स्पेशल भी नहीं है। किसी वेरिएबल के नाम इफ नहीं कर सकते, गो टू नहीं कर सकते। हमने बताया था हमारे सी लैंग्वेज में कुल मिलाकर के 32 कीवर्ड हैं, तो उनका इस्तेमाल आइडेंटिफायर की तरह से
नहीं कर सकते। और आखिरी रूल, रूल नंबर 5, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।